मित्राणि नमस्कारः। संस्कृत यात्रायां भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्यतन अस्माकं संस्कृत यात्रायाः नवमः भागः। हम सभी आज नौवें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। तो हमारे साथ में श्रीमान रामकृष्ण महोदय जी हैं और प्रतिदिन की भांति वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए रामकृष्ण महोदय को नमस्कार। नमस्कार। कथमस्ति महोदय? सम्यक् अस्मि। वाह, स्वास्थ्यं समीचीनं? बहु सम्यक् अस्ति। बहु उत्तमं। तो मित्राणि, आज का हमारा श्लोक है, मैं वाचन करता हूँ, आप सुनेंगे ऐसी आशा है, और उसके बाद में उसका व्याख्या और विश्लेषण संस्कृतेन संस्कृत माध्यमेन रामकृष्ण महोदय करोति, तस्य हिंदी अनुवादम अहम करिष्यामि। तो ठीक है, मैं सुभाषित का वाचन करता हूँ। छायम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि पारार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। तो महोदय, सुभाषितकार है जिन्होंने सुभाषित की रचना की, वो क्या कहना चाहते हैं, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस श्लोक में? तो हमारे जो संस्कृत यात्रा के सभी संस्कृत अनुरागी हैं, उनको आप जरा सरल संस्कृत के माध्यम में उनको विश्लेषण थोड़ा। मनुष्याणाम युवा मुखम न भवति, अर्थात ते वक्तुं न शक्नुवन्ति, एवमेव चिंतन सामर्थ्यमपि यथा मनुष्याणाम आधिक्येन भवति तावत् चिंतनं वृक्षाणां न भवति। तथापि अत्र सुभाषितकारः कथं वदति इत्युक्ते, सत्पुरुषाः इव वृक्षाः कथं विशिष्टानि कार्याणि कुर्वन्ति इति वदन् अस्ति। इत्युक्ते महोदय जी जो कह रहे हैं उसका मैं आपको हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। वृक्ष वो ऐसे हैं जिसे हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य अपनी आँख से देख सकता है, अपने बुद्धि से चिंतन कर सकता है, सब कुछ वो विचार कर सकता है, सोच कर सकता है, किंतु वृक्ष जो है वो न सोच सकता न चिंतन कर सकता, पर भी वो सत्पुरुषों की भांति, अच्छे गुणी लोगों की भांति, अच्छे व्यक्ति की भांति वो अपना सदाचार, अपना जीवन दिनचर्या ऐसा रखते हैं कि स्वयं वो धूप में रहते हैं और दूसरे को छाया देते हैं। तो इसके बारे में आगे और हम पहले सुनेंगे, फिर उसका हम विस्तृत करेंगे। जी, वृक्षाः छायां यच्छन्ति तदपि अन्येषां कृते, स्वयं आतपे तिष्ठति, महान् आतपः भवति, वृक्षाः आतपे स्थित्वा अन्येभ्यः छायां यच्छन्ति, इत्युक्ते प्राणिनः पक्षिणः वृक्षस्य आश्रये छायासुखम् अनुभवन्ति। इत्युक्ते कहने का मतलब है, जो वृक्ष है स्वयं इतनी महान कड़ी धूप में, इतने ताप में खुद होते हुए भी दूसरों को, पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को स्वयं वो छाया देते हैं और खुद क्या करते हैं, वो इतने धूप में खड़े होते हैं। तो हमको उस वृक्ष से हमको सीख लेनी चाहिए, उसके जीवन आचरण हमको, हम मनुष्य हैं, हमको वृक्ष से अपनी आचरण सीखनी चाहिए। तो इस प्रकार से वृक्ष का जो जीवन है, सामान्य देखे एक स्थान में खड़े होते हुए, इतने धूप में होते हुए भी दूसरों के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के लिए वो फल देते हैं, खुद नहीं खाते, दूसरों के लिए छाया देते हैं, खुद छाया नहीं लेते, हम वृक्ष के बारे में। तो आगे रामकृष्ण महोदय जी फिर बोलते हैं। एवं प्रथमार्थे वृक्षाः छायाम् अन्यस्य कृते एव यच्छन्ति इति उक्तमस्ति।
द्वितीयार्धे फलानां विषये वदति वृक्षाः फलभरिताः भवन्ति परन्तु तानि फलानि वृक्षाः स्वयं न खादन्ति सर्वमपि परेभ्यः एव यच्छन्ति सत्पुरुषेभ्यः ये ये बुभुक्षिताः सन्ति पक्षिणः सन्ति तेभ्यः एव फलानि अपि यच्छन्ति परार्थाय एव फलानि भवन्ति एवं वृक्षाः सत्पुरुषाः एव सत्पथे चलन्ति। इसमें महोदय जी ने दो बातें कही हैं। पहला बात है वो बड़ी मुख्य है, जो वृक्ष है छाया तो देता है लेकिन देखो कैसी विडंबना है, वो अपने लिए छाया नहीं देता, वो परार्थ के लिए, दूसरों के लिए, अन्य प्राणियों के लिए, जीवों के लिए, जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए परोपकाराय, मतलब पर के उपकार के लिए वो छाया देते हैं। दूसरी बात उन्होंने बड़ी बात कही कि वृक्ष फल देते हैं, वो फल भी परोपकार के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, जीवों के लिए, जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए, अन्य के लिए, अन्य साम कृते परार्थाय, पर उपकार के लिए वृक्ष वो छाया देते हैं। तो जिस प्रकार से सत्पुरुष लोग अपने जीवन में जो अपना उपकार न करते हुए समाज का, मनुष्य का, लोक का, इस जीव का जो सम्मान करते हैं, उनको वो आचरण में लाते हैं, तो इस प्रकार से अच्छे मार्ग दिखाते हैं, तो वृक्ष भी उसी प्रकार से जैसे साधु संत जन सत्पुरुष अच्छे विद्वानी गुणी जन होते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष भी हमको वो जीवन जीने की वो कला सिखाते हैं। तो मित्रों हमको वृक्ष से जरूर सीखनी चाहिए क्योंकि वो दूसरों के लिए होता है। तो हमारा ये जीवन है, हम अपने लिए भी जिए लेकिन हम प्रयत्न करें अधिक से अधिक इस भारत माता के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए परार्थाय, अन्य के लिए, परों के लिए हम भी जिए, ऐसे सुभाषित कर रहा इस श्लोक में वो अपनी व्याख्या करते हैं। और छोटी सी कुछ जो चिंतन है हमारे महोदय और कुछ कहेंगे फिर हम उसका समापन करेंगे। तो परोपकारार्थाय एव वृक्षाः जीवन्ति वयमपि तथा जीवामः इति सुभाषितकारः एतत् सुभाषितम् उक्त्वा समापितवान्। तो महोदय ने कहा वृक्ष भी परोपकार के लिए वो जीते हैं, फल देते हैं, तो हमें भी परोपकार के लिए भी अपने जीवन में वो आचरण करना चाहिए, वो जीवन जीना चाहिए। तो मित्राणी हमारा जो संस्कृत यात्रा है नौवां भाग का हम यही समापन करते हैं, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारी जो ये यात्रा है उसको सभी तक पहुंचाएं, इस संदेश को अधिक तक पहुंचाएं, संस्कृत यात्रा को आगे बढ़ाएं और संस्कृत यात्रा में आप भी आनंद होकर यात्रा करें, यही हमारी मंगल कामना है। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपके आशीर्वाद मिलता रहे और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रामकृष्ण महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हाँ।